बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ में, आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। भाई एक 15 साल की कैद है जी। जी जी मैं यहाँ पर आपको अभी दिखा भी रखा हूँ। 15 साल की कैद है, 10 लाख रियाल का जुर्माना है, ठीक है जी। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है किसी सऊदी के ऊपर है या किसी परदेसी के ऊपर है, ये तमाम तर अफराद के ऊपर है सऊदी अरेबिया में। इसके मुतल्लिक पहले ये भी कहा गया था कि जिस बंदे का इकामा एक्सपायर होगा उसके ऊपर भी ये कानून लागू होगा, तो मैंने एक डिटेल के साथ आपके साथ वीडियो शेयर की थी। आप भाइयों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था या उस वीडियो के ऊपर मुझे, तो वो उसमें वो बंदे नहीं आते थे। तो बहरहाल 15 साल कैद, 10 लाख रियाल का जुर्माना जी, यानी कि 10 लाख 1 मिलियन ही बोल रहे आप। तो भाई ये उन बंदों के ऊपर है, और अभी फिर से इसको दोबारा से बताया जा रखा है कि तमाम तर ऐसे अफराद जो गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में बंदे आते हैं जी, किसी भी बॉर्डर से ले लें आप, तो उनकी रहनुमाई करते हैं, यानी कि या तो उन्हें गाड़ी में बैठा कर लाना या उनकी किसी भी किसी किस्म की मदद करना, और जब वो बंदे भाई सऊदी अरब में इंटर हो जाएं उस टाइम उनको लिफ्ट देना, यानी कि एक से दूसरे शहर के लिए या यहाँ से वहाँ के लिए। उनके पास इकामा वगैरह कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, हाल ही में मैं सफ़र कर रखा था 2 दोस्तों के साथ, तो वो भाई टैक्सी वाले ने हमको बैठाया ना जब, तो उसने हमारे इकामे देखे हैं पहले, उसके बाद हमको बैठाया टैक्सी में। यानी कि इकामा नहीं होगा तो आप इसी जुमरे में आएंगे, ये अपने जहन में रखिएगा। तो भाई किसी को लिफ्ट देना, उनको उस बंदे को रहाइश पर रखना, उसे काम दिलवाना, उसको मोबाइल देना, मेरे मोबाइल से तो कॉल कर ले, ये है वो है, या किसी भी किसी किस्म की उसकी कोई भी मदद करना, हत्ता कि अपने नाम के ऊपर सिम लेकर उसके मोबाइल में डालना और वो बंदा वो सिम यूज कर रखा हो, तो आप भी पकड़े जा सकते हैं। तो यानी कि आपको भाई एक, मैं परदेसी भाइयों को ये इन्फॉर्म कर रहा था, आपको आपके लिए एक वार्निंग है जी, कि किसी भी ऐसे बंदे की कोई भी किसी किस्म की मदद मत करें जो गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरेबिया में इंटर हो चुका हो। 15 साल की कैद वरना भाई 10 लाख रियाल का जुर्माना है, जो कि बहुत भारी रकम और बहुत ज्यादा जेल है जी, यानी कि 15 साल की कैद है। और इसमें ऐसे कानून में भाई राइत भी नहीं दी जाती है। तो अपने और अपने दूसरे दोस्त अहबाब का भाई ख्याल रखें, जरूर रखें, लेकिन किसी भी गैर कानूनी बंदे को, अनलीगल बंदे को भाई उसको बोले सॉरी यार, जा अपना काम ढूंढ कहीं और, मेरे साथ मत आ।